चलो जी, ये हमारे खालिद भाई भी आ चुके हैं जिनके पास हम दोस्तों गुजरांवाला में ठहरे हुए थे, ये भी जी दोस्तों हालत यहीं से नजर आ रही है, बहुत खराब है जी दोस्तों, कोचिज अटैच हो गए हैं लोअर से। पत्तों की रेलवे स्टेशन, इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, पत्तों की ऐसे बड़ा मसला अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हम लोग आए हुए हैं आज गुजरांवाला स्टेशन, और दोस्तों आज डेट है 3 फरवरी सन 2024। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारी वापसी का ट्रिप, और दोस्तों आज हमारी वापसी हो रही है लाहौर से लेके गुजरांवाला से लेके मुल्तान तक की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे मैं आयमा मनाहिल और हमारा चैनल आयमा मनाहिल ट्रेन ब्लॉग। जी दोस्तों, और हमने इसके लिए ट्रेन चूज़ करी है दोस्तों, 8 डाउन तेज़गाम कराची की मोस्ट प्रीमियम और ओल्डेस्ट ट्रेनों में इसका शुमार है दोस्तों, और आज भी इसको सदाबहार ट्रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे थे दोस्तों, लेकिन तेज़गाम में बहुत टाइम हो गया सफ़र की वजह, बस यूँ समझ लें कि कोई 12-14 साल हो गए इसमें सफ़र करे, तो आज हमने इसलिए सिलेक्ट करिए 8 डाउन तेज़गाम। और अभी हम लोग गुजरांवाला स्टेशन पर आए हैं, और दोस्तों मौसम ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और बादलों का राज है दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे भी आपको नज़ारा हो रहा होगा, बहुत ही आउट क्लास मौसम दोस्तों हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए आइए दोस्तों, अब अपनी गाड़ी का वेट करते हैं और आपको गुजरांवाला स्टेशन का व्यू दिखाते हैं। चलो जी, ये हमारे खालिद भाई भी आ चुके हैं जिनके पास हम दोस्तों गुजरांवाला में ठहरे हुए थे, ये भी हमें रिक्सत करने सी ऑफ करने आ गए हैं दोस्तों, और ये पेशे से एडवोकेट होते हैं, सेशन कोर्ट में इनकी ड्यूटी होती है दोस्तों, हमारे लिए कीमती वक्त निकाल के आए हैं स्टेशन हमें ड्रॉप करने, क्योंकि इनका ऑफिस दफ्तर भी यहाँ से साथ ही है, तो इन्होंने चलो जा रहे हैं, तो इन्होंने हमें रुख्सत मिला। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सर, कैसे हैं आप, करिए से खालिद भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर से आए हमारे लिए, टाइम निकाले अपनी ड्यूटी छोड़ के, ऐसी बात। और सुनाए आप सर, मौसम देख के तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, ठंडी ठंडी हवाएँ और ये खूबसूरत बादल का राज। मैंने तो आपको कहा था कि अभी स्टे करो, अभी टाइम है, लेकिन ड्यूटी है, बस यही मसला है, वो फिर ऑफिस भी जाना है, काम भी देखने हैं, फिर ये चलें, लेकिन खालिद भाई बड़ा मज़ा है आपके साथ, चलें आपके साथ थोड़ा सा गुजरांवाला का हम स्टेशन के जो मौसम के नज़ारे हैं वो ज़रा इंजॉय करते हैं। ऑसम वेदर गुजरांवाला स्टेशन का, ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है दोस्तों, फुल ठंड चिल्ड मौसम हो रहा है, बादलों का राज है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और तेज़ गाम का इंतज़ार हो रहा है दोस्तों 8 डाउन का, जिसमें हम लोग जाएंगे गुजरांवाला से लेकर मुल्तान तक, हमारे साथ रहिएगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आने वाला है, इस मौसम के साथ इंजॉय करेंगे आपके साथ जनरली, ट्रेनों के ओवरटेक्स, ट्रेनों के लाइव एक्शन, लाहौर स्टेशन वहाँ पे तेज़गाम की कपलिंग दिखाएंगे आपको, डब्बे किस तरह अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 9 डब्बे आते हैं, फिर बाकी है कि 9 डब्बे लाहौर स्टेशन से लगेंगे, सब आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। और ये हैं हमारी आयमा मनाहिल ट्रेन ब्लॉगर और रुबाब इनके साथ हैं, और इनकी कज़न अभिया फातिमा साथ हैं। जी आयमा, कैसा लग रहा है, कहाँ जा रही हैं आज, अभी क्या जर्नी, अपने व्यूवर्स को बता दें। आज हम लोग जा रहे हैं गुजरांवाला से मुल्तान, और हमें ट्रेन चूज करिए 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस, और गुजरांवाला का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हम उन्हें छोड़ने के लिए अभिया फातिमा। और अभिया आप कैसी हैं? ठीक। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आयमा मनाहिल आपको छोड़ के चले जाएंगी, दुख तो हो रहा हो, बहुत बुरा लग रहा है आपको, चले अब आप आइएगा कराची, सही है। इसके बाद मैंने लॉन में खेला, बहुत मज़ा आया, बहुत और मनाहिल मौसम के बारे में, सर्दी लग रही है? सर्दी बहुत लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ तो। बस बेटा यही पंजाब की और गुजरांवाला का शान है, मौसम यहाँ का बहुत प्यारा होता है। रुबाब चलें, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ।
सर्दी कैसी लग रही है? और हमारी गाड़ी है 12 बजे की। जी हाँ 12 बजे की, और अभी हमारी गाड़ी गुजरात स्टेशन पहुँच गई है। चलें वो सामान शिफ्ट करने वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी गाड़ी ना आना। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आनी है। चलें चलो चलिए चलो चलो। तो ये था दोस्तों एमएम अनिल का इंटरव्यू जो कि आपने लाइव सुना। और दोस्तों मैं फिर एक बार बोलूँगा, इस मौसम को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी देख सकते हैं आप, दोपहर 11:30 बजे का टाइम है और आप ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मगरिब की अजान होने वाली है। और यक ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों, जो कि मज़ेदार हवाएं जिसको कहेंगे। ऐसा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, लेकिन बहुत दोस्तों ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, यानी कि दिल नहीं कर रहा है ऐसे जाने का, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये भी हिस्सा है, जाना तो है। ये गुजरांवाला के स्टेशन में लोग खड़े हैं और ये हमारे तमाम कज़न हमें रुख्सत करने के लिए आपने अपनी जॉबें छोड़ के, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो ये वासिफ इकबाल, ये तो आपने देखा ही था मेरे साथ सारा दिन यही रहे थे। ये नवीद अहमद साहब, ये खालिद इकबाल, और ये हमारे बड़े भाई इसहाक इकबाल, इसहाक भाई हमारे, ये हमें सब अलविदा कहने के लिए आए हैं गुजरांवाला स्टेशन पर। आज हमारी रवानगी है दोस्तों। दोस्तों फाइनली 8 Down तेज़गाम गुजरांवाला स्टेशन पर अप्रोच हो रही है। आगे एसी क्लास होते हैं, इकोनॉमी क्लास पीछे। गाड़ी तो खाली लग रही है, खाली दरवाजे बंद कर। चलो भाई अल्लाह हाफिज। चलो भाई अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। फाइनली दोस्तों 12:05 गुजरांवाला स्टेशन डिपार्ट हो गई। दोस्तों ज़बरदस्त स्टार्ट गुजरांवाला से ही गाड़ी उठाई है, जो ड्राइवर है ज़बरदस्त किस्म की स्पीड के साथ जा रही है। कामों के स्टेशन को थ्रो प्रॉस कर दिए गाड़ू 113 की स्पीड के साथ।
साधो के स्टेशन थ्रो पास कर रही है गाड़ी फुल स्पीड के साथ, ज़बरदस्त किस्म की स्पीड, 8 down 4, 5, 6, 7 की ज़बरदस्त स्पीड। दोस्तों ये जो आप मेरे साथ लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइन है वो जिस नारोवाल शाहजहाँपुर की लाइन है जिसके ऊपर नैना पलावपाल एक्सप्रेस चलती है और भी एक दो पैसेंजर नारोवाल पैसेंजर भी चलती है, ये वो लाइन है दोस्तों। और मैं अगर उस वाली साइड की बात करूँ तो वो जा रही है फैसलाबाद की लाइन ब्रांच लाइन, और ये है सियालकोट लाइन, और हम चलने से ML1 पे मेन लाइन पे। और दोस्तों शाहजहाँ स्टेशन हम थ्रो पास करेंगे। पंजाब की शान दोस्तों, पंजाब की आन दराए रावी को पास कर रहे हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, कुछ जगहों पे पानी है कुछ जगहों पे खुश्क है दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ होता है, तो सर्दियों में ज़्यादा नहीं होता। ये देख रहे हैं मैदान बना हुआ है दरिया रावी का, कभी तो ऐसा भी सीन होता है लोग क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं यहाँ पर। और दोस्तों बस अगला जो है हमारा बादामी बाग है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग लाहौर जंक्शन पहुँच जाएंगे दोस्तों। फिर हम वहाँ से अपने डब्बे से, जो हमारा लाहौर से डब्बा लगेगा, हम उसमें बैठेंगे। लाहौर जंक्शन इंटर हो रहे हैं दोस्तों हम लोग बस कुछ ही देर में। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने लाहौर जंक्शन शुरू हो चुका है। खूबसूरत कर्व लेती हुई हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे प्लेस हो रही है। दोस्तों फाइनली हम लोग लाहौर जंक्शन पे उतर चुके हैं, और दोस्तों हमारी जो कोच है वो है 3 नंबर जो कि वो आगे लाहौर से लगेगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने कोच की तरफ। अभी हम गुजरांवाला से लाहौर आए थे 16 नंबर कोच में, लेकिन हमारी बुकिंग जो है दोस्तों लाहौर से, तो अब हम अपनी कोच की तरफ जा रहे हैं। आपको कपलिंग भी दिखाते हैं जो डब्बों की कपलिंग होगी, तो चलिए दोस्तों साथ रहिएगा।
जी दोस्तों, हम लोग लाहौर प्लेटफार्म नंबर 4 पे खड़े हैं और ये सामने आप देख रहे हैं हमारी कोचिज़ आ रही हैं जो लाहौर से अटैच होंगी इसके साथ पिंडी तक। दोस्तों इसमें 9 कोचिज़ होती हैं पिंडी से लाहौर तक, उसके बाद 9 मज़ीद अटैच होंगे तो ये 18 नंबर की गाड़ी कोचिज़ की गाड़ी बन जाती है। तो अभी हमारी कोचिज लगी नहीं, उसी का वेट हो रहा है, हम लोग खड़े हैं। 3 नंबर हमारी कोच है ये सामने से। अब हमारी कोचिज आ गई, वो आ गई दोस्तों। ये GMCU 4925 हमारी कोचिज को लेके आ गया है, अब ये उससे उतर चुका है। अब ये ट्रैक चेंज करेगा, फिर वो आगे सामने आप देख रहे हैं हमारी, हमें अपनी लोकोमोटिव का ही पता चल गया इंजन का। वो हमारी जो ट्रेन को आज लीड करेगा वो है GEU 90 वाली पावर, जो कि हमें आते हुए 33 पाक बिंदी जगह से ही मिली थी, वही पावर है दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म की। अब उसका वेट हो रहा है, अब वो हमारी कोचिज़ को, ये सामने कोचिज़ हमारी आ गई हैं, अब इसको खींच के वो लेके आएगा कोचिज़ को, फिर उसके साथ कपल होंगी, वो भी आपको दिखाएंगे हम। भारी तादाद में दोस्तों मुसाफिरों का रश, जो कि वो अपनी कोचिज़ का इंतज़ार कर रहा है जो लाहौर से अटैच होनी है। आप देख सकते हैं पब्लिक का रश, और ये वो तेज़गाम खड़ी हुई है हमारे सामने जो पिंडी से आई है, जिसमें हम गुजरांवाला से लाहौर आए हैं। और अभी हमारी कोचिज 5 मिनट के अंदर अंदर लग जाएंगे, क्योंकि रेडी हैं, GEU उनसे अटैच हो रहा है 90 की पावर, और वो लेके आ रहा है इनको। कुछ वीडियो शेयर करते हैं आपके प्लेटफॉर्म की दोस्तों। डॉक्टर देख रहे हैं मेरे सामने 6 नंबर प्लेटफॉर्म, उसके बराबर में 7 नंबर प्लेटफॉर्म दोस्तों। ये जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ से अभी तकरीबन कोई 15 मिनट पहले 9/10 डाउन अलाम अकबाल एक्सप्रेस डिपार्ट हुई है। अब देखते हैं वो आगे हमें मिलती है नहीं मिलती। 15 मिनट पहले वो डिपार्ट हुई, जिस वक्त हमारी गाड़ी शादरे पर थी और 10 डाउन अलाम अकबाल एक्सप्रेस लाहौर से निकली थी। जी दोस्तों, फाइनली हमारी कोचेज आ गई हैं, ये अब जो पिंडी से जो इट डाउन आई है उसके साथ ये कोचेज अटैच होंगी। आए मैं रुबाब इधर आ जाए। दोस्तों फाइनली कोचेज अटैच हो गई, अब ये प्लेटफॉर्म पे रिवर्स हो गया, पूरी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लगने जा रही है हमारी एट डाउन तेजगाम। और 3 नंबर हमारी कोच है, उम्मीद है कि इसी तरफ आएगी जहाँ हम खड़े हैं। ये देख रहे हैं मेरे सामने वाहिद एसी स्टैंडर्ड जो लगता है इसमें एक डब्बा, वो भी लाहौर से अटैच होता है। और दोस्तों बड़ी हमारे लिए बड़ी बुरी खबर है कि हमारे जो 3 नंबर कोचेज है बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट CFI कोचेज लगी है दोस्तों, जिसकी हालत यहीं से नज़र आ रही है बहुत ख़राब है। ये देखें हमारे सामने आ गई है 3 नंबर कोच, बहुत ही पुरानी और खस्ता हालत में। चलें दोस्तों, खैर है, सफ़र का हिस्सा ये भी, इसी के साथ गुजारा करेंगे। ये जा रही है हमारी दोस्तों 3 नंबर। दोस्तों पूरे 1:35 पे हमारी गाड़ी राइट टाइम लाहौर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट हो रही है दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों कराची से लाहौर तक चलने वाली 41 करम एक्सप्रेस अभी लाहौर अराइव हुई है, जो कि कल वहाँ दोपहर 3 बजे से चली हुई थी। तुम्हारे लिए तो सही है।
नीचे वाली पे लेते हैं। बस की सीटें नहीं होती दोस्तों, डब्बे की जो हालत है वो बड़ा अफसोस होता है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं ये भी प्रीमियम ट्रेनों में आती है, क्योंकि इसका किराया भी उतना ही जितना कराकरम और पाक बिजनेस वगैरह का है। लाहौर से कराची का इसका जो बर्थ है वो 3,900 रुपये की है, और लाहौर से मुल्तान की इसकी बर्थ है 1,600 रुपये की। तो दोस्तों मकसद कहने का ये है कि इतने पैसे लेने के बाद इस तरह के कोचेज़ लगा देना पुराने डब्बे, तो अफसोस होता है इस बात पर, क्योंकि पब्लिक किराया पूरा दे रही है आपका, वही जो कराकरम वाला फेयर है वही दे रही है, और सीटों की हालत देखें आप। लाहौर लोको शेड लाहौर का, यहाँ पे तमाम लोको शेड यहीं पर ही आके अपने डीजल वगैरह चेंज करते हैं, सर्विस होती है यहाँ पे। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं ZCU की भरमार खड़ी हुई अंदर, और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ZCU का हेड क्वार्टर। लाइन से ZCU खड़े हैं, सारे डैमेज खड़े हैं दोस्तों, ये सब ख़राब हुए हैं इंजन, अब इनका वेट करेंगे कब तैयार होंगे ये। और ये आप मेरे सामने देखेंगे तमाम डैमेज कोचेस, ये सब की सब आप जो दोस्तों देख रहे हैं सभी डैमेज कोचेज हैं, जो कि जल जाती हैं या किसी हादसे का शिकार होती हैं, या ट्रैक पर चलने के काबिल नहीं रहती, तो इसको यहाँ पे लाके इनको खड़ा कर दे इनको। जी दोस्तों टाइम हुआ है अभी चाय पीने का, ये हमारी चाय है दोस्तों, हमने अपने ही थर्मास में गरम गरम दूध पत्ती चाय उसमें बना के लेके आए थे, तो चलें चाय को ज़रा इन्जॉय करते हैं। जबरदस्त स्टार्ट दोस्तों, GEU 9019 का धुआं उड़ाती हुई वॉल्टन स्टेशन से। लाहौर के एंड थ्रो पास करेंगे दोस्तों अभी हम,
दोस्तों हमारी गाड़ी अभी रायबन जंक्शन के पास पास है। रायबन जंक्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं ज़बरदस्त स्पीड के साथ, एट डाउन GU9019 के साथ हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। और हमारा जो अगला स्टेशन है वो है रायबन जंक्शन। दोस्तों टाइम हुआ है 2:10 और हमारी गाड़ी रायबन जंक्शन अप्रोच कर रही है। अच्छा खासा रश है रायवंडी स्टेशन पे, स्पेशली तबलीगी जमात का। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे तबलीगी जमात का बहुत बड़ा रेला आता है, जाता है, आता है, जाता है इज्तिमा में। रायबन जंक्शन यहाँ पे दोस्तों 2 मिनट का स्टॉप है इसका, शेड्यूल स्टॉप। काफ़ी लोग चढ़े हैं इधर से। पाँच मिनट स्टॉप करने के बाद रायबन जंक्शन से डिपार्ट हो रही है हमारी गाड़ी। कोट राधा किशन को ज़बरदस्त स्पीड में पास करेंगे हम लोग, ज़बरदस्त थ्रो पास कोट राधा किशन का। खूबसूरत नज़ारों के साथ दोस्तों ये लोकल रोड है रायवंड से पतौती तक का, पतौकी का जाते जिस पर हम लोग जा रहे हैं अभी। और अभी जैसे ही हम पतौकी स्टेशन पास करेंगे उसके बाद हम मेन जीटी रोड देखेंगे। अब हमारे साथ साथ चल रहा होगा जीटी रोड, जिस तरह का ये रोड चला है लोकल रोड, इसी तरह हमारे साथ मेन जीटी रोड हमारे साथ अटैच हो जाएगा पतौकी स्टेशन के बाद। दोस्तों छांगा मांगा रेलवे स्टेशन थ्रो पास कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये अभी हमारी गाड़ी छांगा मांगा के जंगलात से गुजर रही है। ये मेरे आज सामने आप जो देख रहे हैं सारे छांगा मांगा के जंगलात हैं। और किसी दिन दोस्तों मौका मिला तो यहाँ भी ज़रूर रेल फेनिंग करने आएंगे। यहाँ बताते हैं अंदर कोई एक ट्रेन भी चलती है जो पूरा जंगल आपको उसकी विज़िट कराएगी उस ट्रेन के अंदर, छांगा मांगा के जंगलात। दोस्तों मौसम को और ये सामने हरियाली को देख के बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त सी फीलिंग आ रही है दोस्तों। मैं आपको बयान नहीं कर सकता जो इस वक्त वेदर है, जो एनवायरनमेंट है, जो मौसम चल रहा है। हल्की हल्की बारिश भी है कहीं कहीं और ये सब्जा देखें आपके सामने दोस्तों, अमेजिंग। दोस्तों टाइम हुआ है 2:50 और हमारी गाड़ी पतौकी स्टेशन अप्रोच कर रही है और 2 मिनट अर्ली चल रही है।
पतोगी रेलवे स्टेशन, इसके बारे में आपको पहले से बताया था। पतोगी ऐसे बड़ा मशहूर है और इत्तेफाक से आप देख रहे हैं नीचे पत्ते ही पत्ते पड़े। ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि नर्सरी सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी यहाँ पतोगी स्टेशन पर ही होती है। और ये ईशा हमारी आवाज़ आयमाइश जी से क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं आ रहे। ये ट्रेन कौन सी है ईशा? अच्छी ट्रेन है घटिया ट्रेन है? अच्छी है। अब अच्छी लग रही है ईशा। ना ईशा पहले क्या कह रही थी? बोले मम्मा इतनी गंदी ट्रेन है, इतनी घटिया ट्रेन है ईशा। घटिया ट्रेन बोला यार? नहीं यार, अच्छी ट्रेन तो है, अर्ली चल रही है यार। तो हमारी आप कोच की हालत देख लें, बिल्कुल समझ ले गए, बस बिल्कुल रिटायर्ड कोच। आगे वाले थी साफ सुथरी बस, बाकी बस किस्मत बैट लग गया बेटा ही। फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया हमारी गाड़ी ने, फाइनली यहाँ से डिपार्ट हो रही है। दोस्तों दो मिनट अर्ली थी इसलिए दो की जगह चार मिनट स्टॉप किए इसने पतोगी स्टेशन में, अपने टाइम पूरा किए। और दोस्तों अगला हमारा हॉल्ट है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन, तो आपसे मिलते हैं ओकाड़ा पे। अगला इसका जो स्टॉप है वो है ओकाड़ा। दो बज के 54 मिनट पे हमारी गाड़ी पतोगी स्टेशन से डिपार्ट हो गई है दोस्तों। आयमा सरंदर करें बेटा। पतोगी शहर के कुछ मनाजिर, जीटी रोड दोस्तों एक बार फिर हमारे साथ साथ जुड़ गया है और ये खानेवाल तक हमारे साथ रहेगा दोस्तों। जीटी रोड मेन जीटी रोड है कराची से लेके लाहौर तक का, पिशावर तक का जो आप देख रहे हैं, खानेवाल तक हमारे साथ जुड़ के चलेगा जीटी रोड। दोस्तों टाइम हुआ है 3:25 और हमारी गाड़ी ओकाड़ा स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। यहाँ भी दोस्तों 3 मिनट अर्ली है हमारी गाड़ी, ज़बरदस्त GU90 ज़बरदस्त स्पीड के साथ।
दोस्तों यहाँ भी रश कम नहीं है। दोस्तों हमारा सफर बहुत ही अच्छा जा रहा है। अभी हमारी ट्रेन अकोड़ा पर रुकी है एकदम तेजगाम, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और मज़ा भी बहुत आ रहा है हमें एकदम तेजगाम एक्सप्रेस में। और अभी हमारी गाड़ी अकोड़ा स्टेशन पर रुकी हुई है और लोग एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। 3:30 में हमारी गाड़ी अकोड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है। 5 मिनट स्टॉप करने के बाद ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों लास्ट में यहाँ से 33 पाक बिल्डिंग में गया था और उस 33 पाक बिल्डिंग एक्सपेंड ने ओकाड़ा रेलवे स्टेशन को 114 की स्पीड से थ्रो पास किया था दोस्तों। लेकिन ये है एट डाउन तेजगाम, इसके स्टॉपेज ज़रा ज़्यादा हैं जबकि किराया उतना ही है, लेकिन स्टॉप ज़्यादा हैं इसके। यूसुफ वाला कोल ट्रेन स्टेशन पे बात हो रही है और अगला जो हॉल्ट है दोस्तों वो है साहिबाल, जो इसका शेड्यूल स्टॉप है। खूबसूरत दोस्तों, खूबसूरत ग्रीनरी, बयान से बाहर ज़बरदस्त नज़ारा, ज़बरदस्त मौसम जी। दोस्तों टाइम हुआ है अभी 4:05 और हमारी गाड़ी साहिबाल स्टेशन अप्रोच बना रही है और यहाँ पे दोस्तों ये 10 मिनट अर्ली है तो उस हिसाब से 15 मिनट का स्टॉप आई थिंक ये साहिबाल स्टेशन पे ही करेगी क्योंकि अपने मुकर्रर वक्त से 10 मिनट अर्ली आ रही है। दोस्तों शानदार स्पीड के साथ GEU 9036। साहिबाल का स्टेशन देखिए अपना 33 पाक बिल्डिंग का सफ़र याद आ गया हमें। इसमें हम सुबह सुबह 8:50 पर पहुँचे थे।
साहिवाल स्टेशन फाइनली अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। खूबसूरत मौसम के साथ दोस्तों, मौसम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। गुजरांवाला से लेके साहिवाल तक का मौसम और इससे आगे का भी मौसम दोस्तों, टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 4:05 और जबकि इसका जो स्टॉप है यहाँ पे 4:15 का अराइवल है, लेकिन 4:05 पे आ गई 10 मिनट अर्ली। अब वो अपने जो अर्ली मिनट है वो यहाँ पे पूरे करेगी। और रश के हिसाब से अगर बात करूँ दोस्तों, अब तक जितने भी हॉल्ट पे रुकी है रायवन, पतोकी, ओकाड़ा, तीनों जगह से भरपूर रश इसने उठाया यहाँ से, तो इसके हिसाब से बड़ी कामयाब गाड़ी है। बस थोड़ी सी रेलवे से गुजारिश है कि इसकी बोगियों की तरफ नज़रसानी करें, जिस हिसाब से इसका किराया है कराकरम और कराची एक्सप्रेस के बराबर, उसी लेवल की भी गाड़ी भी बनाए इसको। साहिवाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी दोस्तों हमारी लगी, और सामने से भी डाउन में भी कोई ट्रेन आ रही है और वो मेरे ख्याल से 1 ऑफ खैबर मेल है, लेकिन दोस्तों हम है इस साइड पे तो कैप्चर नहीं कर सकेंगे। चल बिफोर आइए, ये माशाल्लाह से लोग नमाज़े असर भी अदा कर रहे हैं साहिवाल के स्टेशन पे। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, नहीं चार करें चार। दोस्तों हमारी गाड़ी साहिवाल स्टेशन से डिपार्ट हो रही है। तो टाइम हुआ है 4:45 और हमारी गाड़ी चीचावती अप्रोच कर रही है, और यहाँ भी दोस्तों ये 3 मिनट अर्ली है। ट्रक देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, बहुत लंबा कटेगी। चीचावादनी स्टेशन पे गाड़ी हमारी गाड़ी रुकी हुई है 4 मिनट से, और दोस्तों हमारी गाड़ी तकरीबन जिस स्टेशन पे भी रुकी है तकरीबन 8 से 10 मिनट स्टॉप उसने किया। उसकी वजह ये है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी गाड़ी हर जगह अर्ली पहुंच रही है, जैसे साहिवाल 10 मिनट अर्ली, ओकाड़ा 8 मिनट अर्ली, तो इस वजह से दोस्तों टाइम पूरा करना होता है, अपने ओरिजिनल टाइम पर डिपार्ट होती है गाड़ी, तो इसलिए पूरा टाइम करके निकलती है। इसी तरह चीचावादनी में भी अब तक 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों हमारी गाड़ी को। Thank you.
चलिए दोस्तों, पहला डिपार्टिंग विजल हो चुका है, हमारी गाड़ी रवाना होने वाली है चीचावती से। टाइम पूरा हो गया इसका, राइट टाइम। हॉर्न ही दूसरा हॉर्न दोस्तों हो गया और हम भी अब गाड़ी में सवार हूँ। दोस्तों 5:20 पर हमारी गाड़ी मियाँ चन्नू स्टेशन अप्रोच कर रही है। अब दोस्तों जो हमारा अगला जो स्टेशन है वो है खानेवाल, जहाँ पे इसका 2-4 मिनट का स्टॉप होगा दोस्तों। और अभी भी रास्ते में हमें 115 मूसा पार्क भी क्रॉस होगा हमारा, इसमें AG-30 उसकी लीड पर है दोस्तों। 2 मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी गाड़ी मियाँ चन्नू से डिपार्ट कर रही है। अलविदा कह देंगे, लेकिन दोस्तों बहुत इंजॉय किया है, बहुत खूबसूरत नज़ारे और मौसम। जैसे कि आप अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कपास की फसल और अभी कुछ ही देर में ये शाम हो जाएगी दोस्तों, अंधेरे में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं सामने, बाय ट्रेन भी देख सकते हैं आप, बाय रोड भी देख सकते हैं। गीली गीली सी बड़ी प्यारी जो खुशबू आ रही है मट्टी के पास, ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। लेकिन दोस्तों अफसोस इसी बात का है कि अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है शीशे ही बंद हो जाएंगे। हमारी कोशिश थी कि खाने वाला आपको रोशनी में कवर करें, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी कच्चा कुआ के पास से गाड़ी गुजर रही है, अभी तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे हमें। ये दोस्तों बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया है, तो टाइम हुआ है 6:01 और हमारी गाड़ी खाने वाला प्लेस बना रही है।
जी दोस्तों, पूरे 6 बजे हमारी गाड़ी खानेवाल अराइव हो गई है और सामने भी दोस्तों एक डाउन में अप में ट्रेन खड़ी है, उसको भी देखते हैं कि वो कौन सी ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, जिसका मुझे डाउट था वही हुआ। दोस्तों ये है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो लाहौर से निकली थी 12:40 पे और हमारे यहाँ पे आते ही इसका डिपार्टिंग मिसिल हो गया और ये रवाना हो रही है। और ये आप देख रहे हैं गीला गीला खाने वाल दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे आने से 10 मिनट पहले ही बता रहे हैं बारिश होकर हटी है। 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, अब यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं हमारी 8 डाउन की ड्राइव का दोस्तों, हालांकि सेम स्टॉप है और ये हमारे से 1.25 घंटा पहले की चली हुई गाड़ी हमारी 8 डाउन तेज़गाम ने इसको खाने वाली स्टेशन पर पकड़ लिया। अब दोस्तों अब मसला यहाँ पे ये है कि ये जो है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ये जाएगी वाया झानिया से होके कॉर्ट लाइन से होती हुई जाएगी झानिया दुनियापुर से होती हुई लोधरा और जो हमारी 8 डाउन तेज़गाम है दोस्तों ये जाएगी मुल्तान से होती हुई, तो उस हिसाब से ये आगे निकल जाएगी, थोड़ा रास्ता भी शॉर्ट है इसका और 8 डाउन जो है मुल्तान से होती हुई जाएगी। जी दोस्तों ये थी मेरी गुजरांवाला से खानेवाल तक की जर्नी और अपने ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों, और इसका जो अगला जो पार्ट 2 जो हम बनाएंगे वो होगा मुल्तान से कराची तक का, वो भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों और ज़रूर बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदा।